बस्तर संभाग के बीजापुर जिला और दंतेवाड़ा जिला के सीमावर्ती इलाके में एक बार फिर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में सर्चिंग के बाद जवानों ने भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद किया है। आपको बता दें कि बीते दिनों पुलिस को मुखबिर से नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदर राज पी के कुशल मार्गदर्शन में DRG और CPRF की संयुक्त टीम को सर्चिंग ऑपरेशन के लिए दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती इलाका गमपुर के जंगलों में रवाना किया गया। जैसे ही DRG और CRPF की संयुक्त टीम के जवान जंगल पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद नक्सलियों ने जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वहीं जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए नक्सलियों पर जवाबी कार्रवाई की। इस जवाबी कार्रवाई में जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली घने जंगल की आड़ लेकर भाग खड़े हुए। वहीं इसके बाद सुरक्षा बलों द्वारा आसपास के क्षेत्र में सघन सर्चिंग कर दो भरमार बंदूर, एक क्लेमोर बम, दो BGL सेल समेत अन्य दैनिक उपयोगी सामग्री बरामद की गई। दंतेवाड़ा से चंद्रकांत सिंह छत्री की रिपोर्ट। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में जिला दंतेवाड़ा में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के अंतर्गत दिनांक 15 फरवरी को बीजापुर एवं दंतेवाड़ा जिला के सरहदी गाँव डोडे तुमना गमपुर के क्षेत्र में पश्चिम बस्तर डिवीजन एवं दरभा डिवीजन के शीर्ष माओवादी की उपस्थिति की आसूचना पर DSP राहुल उके के नेतृत्व में DRG बस्तर फाइटर CF एवं CRPF के 111, 230, 195 के यंग प्लाटून का बल नक्सलग्रस्त सर्च अभियान हेतु रवाना हुए थे कि दिनांक 16 फरवरी की सुबह जैसे ही DRG बस्तर फाइटर के टीम नंबर 4 एवं CRPF 230 के यंग प्लाटून गमपुर गांव के पास पहुंचे थे तभी नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उन पर अंधाधुंध फायरिंग किया। सुरक्षा बलों ने भी आत्मसुरक्षार्थ में जवाबी कार्रवाई किया।